गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वर्ब चैप्टर वर्कशीट 3। तो कल हमने इन अ प्रीवियस क्लास वी हैड लर्न ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। सो इन दैट क्लास हमने सीखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें वर्ब का एक्शन क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, राइट। और इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहेंगे जिसमें वर्ब का एक्शन ट्रांसफर होगा किस पे, सब्जेक्ट पे। लेट अस सी विथ एग्जांपल। आज हम एग्जांपल के साथ फिर से देखते हैं। यहां देखोगे बेटा, राम ईट्स वेरी ऑफन। अब यहां देखो ऑफन कभी कदाल क्या खाता है। अगर वहां रहता कि राम ईट्स एन एप्पल तो राम क्या खाता है, सेब खाता है। मगर यहां रामू के द्वारा ही कुछ खाया गया है, क्या खाया गया है क्लियर नहीं है। तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव, मतलब इसके द्वारा क्या खाया गया है ऑब्जेक्ट पे एक्शन नहीं है, राइट। तो ये आपका इंट्रांजिटिव हुआ। अब यहां देखो माय मदर कुक्स, अगर यहां फूड होता तो ट्रांजिटिव हो जाता, मगर ये वेल एडजेक्टिव है, ये ऑफन एडजेक्टिव है, राइट। तो यहां पर ये कह रहा है कैसा खाना बनाता है, तो मम्मी बोल रही है बहुत अच्छा खाना बनाती है। कौन बनाती है, मम्मी बनाती है। अगर वही कह देते केक बनाती है या फिर पिज्जा बनाती है तो ऑब्जेक्ट पे एक्शन ट्रांसफर हो जाता, मगर यहां ये कुक का एक्शन ट्रांसफर किस पे है, मम्मी पर है। तो ये मम्मी पर एक्शन ट्रांसफर है, तो इसीलिए ये क्या है, इंट्रांजिटिव। अब देखो नेक्स्ट विनीता, आपके न्यू बुक्स में विनीता पुराने बुक्स में आई है। तो विनीता इंजॉयड, क्या देखा उसने, मूवी को देखा। तो विनीता के द्वारा जो एक्शन हुआ है वो किस पे चले गया, मूवी पर चले गया। तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। Am I clear? Next, फिर देखते हैं। She has gone. ध्यान दोगे बेटा, She has gone. To लग गया यहां, कौन गया, She के द्वारा चलने का एक्शन हुआ है, स्कूल जाना है, मगर एक्शन किसके द्वारा है, She स्कूल में नहीं गया है, यहां पे स्कूल की ओर जा रहा है, यहां पे gone to school, right? मगर एक्शन सी अपने आप चली है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव है। ध्यान रखोगे यहां टू लग गया है बेटा। नेक्स्ट, माय फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, पापा कहां जाके काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं। तो वो हो गया आपका ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द गर्ल शाउटेड लाउडली, लड़की चिल्लाई जोर से, कैसे चिल्लाई, जोर से, मगर कौन चिल्लाई, लड़कियां चिल्लाई। तो shouted loudly, loudly जो है आपका ये है adverb, तो verb को more qualify कर रहा है, इसीलिए ये भी आपका sentence हो गया intransitive। अब देखो I usually sleep late, तो आप यहां I है, कौन देर तक सोता है, I सोता है, राइट। बेड पर सोता अगर रहता तब दूसरी बात थी, मगर कौन देर तक सोता है, तो आई, तो इसके ऊपर एक्शन गया, तो ये भी आपका हो गया इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखो, आई लव, मैं क्या, डांस को प्रिफर करता हूं, राइट। फिर नेक्स्ट, आई हर्ड हर सॉन्ग, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या सुना मैंने, आई हर्ड, अगर बोलते आई हर्ड नॉइज या कुछ चीज भी हो सकता था, ऑब्जेक्ट नहीं था, मगर यहां ऑब्जेक्ट आ चुका है, क्या सुना, गाना सुना, तो ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट, सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कहा नहीं पता, वॉकिंग कौन कर रहा है, सी कर रही है, तो सी गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, तो कौन, ये लड़की सी है, तो यहां पर तो सी गोज, तो ये गोज का एक्शन किस में है, सी में है, तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि जो थर्ड नंबर है, फिफ्थ नंबर है,
और नाइन्थ नंबर है ये आपका ट्रांजिटिव है, बाकी सारे इनट्रांजिटिव है। क्लियर। नेक्स्ट आपका देखेंगे यहां पर वर्कशीट फाइव में, द ट्री टॉप रसल, रसल का मतलब होता है बेटा पत्तों की खड़खड़ाहट, साउंड प्रोड्यूस बाय अ लीव्स, ट्री टॉप सबसे ऊपरी भाग, राइट। द दे हसल, लुढ़कते हुए तेजी से भागना, दे हसल दे बसल, राइट, तेजी से, डाउन इन द केव, जब आंधी तूफान आए तो बच्चे कहां भागे, केव में भाग गए। द विंड्स आर मर्मरिंग रेडी टू रैप, क्लियर। द स्काईज आर डीमिंग एंड द बर्ड्स फ्लाई लो। तो अब इसमें हमको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ढूंढ करके यहां नीचे लिखना है, जैसे द ट्री टॉप वेव, वेव के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो आपका ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। द ट्री टॉप रसल क्या है, तो ट्री टॉप रसल कर रहा है, कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ट्री टॉप, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। दे हसल दे बसल एंड डाउन इन अ केव, तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। एम आई क्लियर। नेक्स्ट है आपका द स्काईज आर डीमिंग, तो आप देखेंगे द स्काईज कौन डीम हो रहा है, मध्यम कौन हो रहा है, तो इंट्रांजिटिव। द विंड आर मर्मरिंग, तो क्या चीज मर्मरिंग हो रहा है, विंड, तो आपको इसको इंट्रांजिटिव बनाना। उसी तरह द बर्ड फ्लाई लो, क्या उड़ा नीचे की ओर, बर्ड्स, तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव। तो आई होप इट्स क्लियर, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। सो आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, थैंक यू।